नीतीश बाबू जिस बात को रख रहे हैं उस प्रस्ताव को ऑफिशियल रद्द करने वाली कोई पार्टी है, उसका नाम है कांग्रेस पार्टी और राष्ट्रीय जनता दल। तो विशेष राज का दर्जा पर दो पार्टी को बोलने का नैतिक अधिकार नहीं है, वो है राजद और कांग्रेस पार्टी। नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने 1,65,000 करोड़ रुपया का अलग से बजट का प्रावधान किया, विशेष सहायता दिया। नीतीश कुमार जी की सरकार में नीतीश बाबू कटोरा लेके ही खड़ा है। 2,61,000 करोड़ के बजट में लगभग 2,00,000 करोड़ रुपया भारत सरकार देती है, नरेंद्र मोदी की सरकार देती है, ये नीतीश कुमार नहीं देते। सबसे ज्यादा दाम यदि पेट्रोल और डीजल का है तो उसका कारण है कि बिहार में टैक्स वसूले जाते हैं। देश के गृह मंत्री अमित शाह बिहार दौरे पे आ रहे हैं, ऐसे में बिहार की राजनीति भी अब खूब हो रही है। एक तरफ जो है तमाम जो सत्ताधारी दल हैं वो कह रहे हैं अमित शाह बिहार दौरे आ रहे हैं, कोई भी फायदा बिहार को नहीं होगा। इसी को लेकर के जब बातचीत की गई बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी से तो वो क्या कुछ कहते हुए नजर आए, वहीं पे जिस तरह से जो आज क्षेत्रीय परिषद की बैठक है उसको लेकर के भी। देखिए, गृह मंत्री जी आ रहे हैं, जो क्षेत्रीय परिषद की बैठक होती है उसके लिए आ रहे हैं, कौन क्या बोल रहा है इससे मतलब नहीं है, लेकिन बिहार के विकास के लिए जरूर आ रहे हैं। बिहार के जो एजेंडा है उसको बताएं और जो उचित फोरम होता है उस पर अपनी बात रखनी चाहिए, चाहे वो कोई किसी भी दल के लोग हों उनको अपनी बात रखनी चाहिए। पर विशेष राज्य के दर्जे की मांग कर रहे हैं सभी। सभी कहाँ से मांग कर रहे हैं, जब लालू जी सत्ता में थे तो उन्होंने ही उसको समाप्त कराया। रघुराम राजन कमेटी जब बनी थी तो लालू जी सहयोगी थे यूपीए के, कांग्रेस पार्टी सत्ता में थी, रिजेक्ट कर दिया बिहार के प्रस्ताव। नीतीश बाबू जिस बात को रख रहे हैं उस प्रस्ताव को ऑफिशियल रद्द करने वाली कोई पार्टी है, उसका नाम है कांग्रेस पार्टी और राष्ट्रीय जनता दल। तो विशेष राज का दर्जा पर दो पार्टी को बोलने का नैतिक अधिकार नहीं है, वो है राजद और कांग्रेस पार्टी। भाजपा कल भी समर्थन कर रही थी, आज भी कर रही और कल भी करेगी, लेकिन नरेंद्र मोदी जी की सरकार हो या सरदे अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार हो, सरदे अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार ने 4,000 करोड़ रुपया विशेष पैकेज बिहार को दिया। नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने 1,65,000 करोड़ रुपया का अलग से बजट का प्रावधान किया, विशेष सहायता दिया। और आज भी नीतीश कुमार जी की सरकार में नीतीश बाबू कटोरा लेके ही खड़ा है। 2,61,000 करोड़ के बजट में लगभग 2,00,000 करोड़ रुपया भारत सरकार देती है, नरेंद्र मोदी की सरकार देती है, ये नीतीश कुमार नहीं देते। नीतीश कुमार जी के पास तो 32,000 करोड़ रुपया ही है, वो भी सबसे ज्यादा वैट वसूलने का काम नीतीश कुमार की सरकार करती। और सबसे ज्यादा दाम यदि पेट्रोल और डीजल का है तो उसका कारण है कि बिहार में टैक्स वसूले जाते हैं। तो आपने साफ तौर पर सुना उनका कहना है कि देखिए क्षेत्रीय परिषद की बैठक है और सही जगह होना चाहिए अपनी बात को रखने के लिए, विकास किस तरह से हो उस बात को रखे, कोई दल क्या कुछ कह रहा है उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। वहीं पे जिस तरह से बिहार का बजट है और विशेष पैकेज की जो चर्चा होती है, विशेष दर्जे की बात होती है, उसको लेकर के भी कह रहे हैं कि पहले जो है सरदे अटल जी ने दिया था 4,000 करोड़ का विशेष पैकेज, अब देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 1,65,000 करोड़ का विशेष पैकेज दिए। उन्होंने कहा है कि आज जो बिहार का बजट है उसमें लगभग जो है कई करोड़ केंद्र के ही होते हैं, लेकिन जिस तरह से ये लोग बात कर रहे हैं ये लोग कहने लायक तो है ही नहीं, क्योंकि केंद्र सरकार दे रही है तभी आज बिहार में विकास हो रहा है। कमलेश कुमार, लाइव बिहार, पटना। लाइव बिहार YouTube पर सब्सक्राइब और Facebook पर लाइक जरूर करें।